जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। किसी ने नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारे अंदर ही है, कमी है तो बस इस चाहत और मेहनत की। अगर हम ठान लेना तो क्या नहीं कर सकते। ज़रूरत है बस अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने की। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया ही चकाचक होंगे। हो गया है आज से शुरू बैसाख है, और धूप में ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा कड़ी धूप हो गई है शुरू। चलिए सुबह उठकर अपनी आलस को त्याग कर अपने आप को सफल बनाने की एक अच्छी कोशिश करते हैं। बिना कुछ काम किए काम नहीं होगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारे अंदर एक शांत सरल स्वभाव आने लगे, सहन शक्ति बढ़ने लगे, तो सुबह उठकर अपने दिनचर्या की शुरुआत कीजिए और सुबह उठने की आदत डालिए। तो यहाँ पे बहुत ही, अब बहुत से लोग बैशाख में मॉर्निंग का, सुबह का स्नान करते हैं 4 बजे कौआ बोलने से पहले, तो वो लोग तो उठ ही जाते हैं। खैर, हम स्नान तो सुबह का नहीं करते, अपना काम धाम निपटाने के बाद ही स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो आज हम जो सुबह का जो मेरा होता है दिनचर्या, सुबह का जो होता है पूजा पाठ, वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो झाड़ू का सिर्फ नियम करते हैं क्योंकि घर अभी गंदा नहीं रहता है। जैसे कि शाम का झाड़ू लगा लेते हैं ना तो सुबह में इतना गंदा नहीं निकलता है, तो बस नियम कर देते हैं। नियम तो करना ज़रूरी है। और सबसे पहले रसोई घर में झाड़ू लगा के निकालते हैं, उसके बाद पूरा घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर सबसे लास्ट में आते हैं हम नीचे, क्योंकि नीचे का दरवाज़ा उतना सुबह सुबह खोलने में थोड़ा सा डर है इधर, इसीलिए हम लास्ट में आते हैं नीचे। सबसे पहले आंगन तरफ का दरवाज़ा खोल देते हैं, जहाँ कि आप लोग को दिखाएं कि बहुत अंधेरा था। आंगन का दरवाज़ा खोलने के बाद ही घर में झाड़ू लगाते हैं और उधर पहले झाड़ू लगा के निकाल लेते हैं। उसके बाद ये बाहर मेन गेट का दरवाज़ा खोल के झाड़ू लगा लिए और बस यहाँ थोड़ा सा पानी से धोएंगे दरवाजे को। दुआरी पे हमारा पानी सबसे पहले गिर जाता है तो बहुत ही अच्छा। और अभी अगर जिसके यहाँ संभव है, जिसके दरवाजे पे संभव है, दरवाज़ा थोड़ा देर खुला ही रखना चाहिए। अभी की शक्ति, अभी की जो ऊर्जा होती है ना, सकारात्मकता ऊर्जा, वो अगर घर के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पॉसिबल नहीं है दरवाज़ा खुला छोड़ने का, क्योंकि ऊपर हम चले जाएँगे फिर काम करने, तो दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ सकते। तो बस बंद करके ऊपर अब आ गए थे, और अब यहाँ पोछा लगाएंगे सबसे पहले। तो पोछा का पानी में तो हम डेली कुछ ना कुछ मिला ही देते हैं। तो आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन हम ऐसे कुछ नहीं, ऐसे फिनाइल थोड़ा सा डाल दिए। ऐसे शनिवार के दिन हल्दी या फिर थोड़ा सा संधा नमक डाल के पोछा लगाते हैं। ये सबसे थोड़ा सा नकारात्मकता जाती है। और सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद ही सुबह का और भी कोई पूजा पाठ किया जाता है। जो भी पूजा पाठ करते हैं हम, मतलब जो भी अपने जो भी आराध्य मानते हैं, जिनको जिनका भजते हैं, जिनका पूजा करते हैं, तो पोछा झाड़ू पोछा करने के बाद ही, क्योंकि रात भर का जितना भी नकारात्मक ऊर्जा रहता है वो झाड़ू पोछा करने के बाद ही घर से बाहर निकलता है, तभी हम पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट से पहले हम लोग पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। और अब देखिए बज गया था 5:15, और 5:15 बजे हो गया था, मतलब उतना देर लगता है मुझे झाड़ू पोछा करने में। और उसके बाद अब हो गया, और पोछा का पानी फेंक दिए बाहर, और उसके बाद यहाँ बालकोनी को, मतलब पूरे घर के एक रूम की तरह ही बालकोनी को भी साफ़ करना चाहिए। ऐसे पोछा वाला पानी यहाँ गिरा के साफ़ नहीं करते हैं, बस पूरा अच्छा से साफ़ पानी से ही यहाँ साफ़ करते हैं। क्योंकि पोछा का पानी गिराने से पहली बात तो कि गंदा भी होगा, और दूसरी बात कि पोछा का पानी यहाँ बालकोनी में पड़ा रह जाए थोड़ा बहुत, तो उससे हमारे हानि ही हानि है। इसीलिए साफ़ पानी से यहाँ बालकोनी को भी साफ़ कर लेते हैं। इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का एक बार का साफ़ किया हुआ दिन भर चल जाता है, फिर वो गंदा नहीं होता है, फिर एक ही बार शाम का झाड़ू लगता है। तो बस यहाँ झाड़ू पोछा सारा हो गया था, और अब हम स्नान करने के लिए, स्नान करने के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। तो स्नान करने के बाद ही पूजा रूम में, स्नान करने के पहले कदम भी नहीं रखते, घुसते ही नहीं, स्नान करने के बाद ही पूजा रूम का झाड़ू पोछा करते हैं। स्नान करने के पहले पूजा रूम का झाड़ू पोछा नहीं करते, क्योंकि स्नान करने के पहले यहाँ घुसते ही नहीं हैं, तो फिर नहीं करते। स्नान कर लिए उसके बाद अब यहाँ झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और अभी टाइम हो गया था 5:30 हो गया था, और आज देखिए कल का संयोग देखिए, 3-3 अड़हुल का फूल निकला था, और आज एक भी नहीं, आज गुलाब एक निकल गया था, मिला तो गुलाब का तोड़ लिए।
बस यहाँ पे फूल लेके आ गए, सूर्य नारायण जी को जल चढ़ा दिए और यहाँ पे एक पूजा घर में एक लोटा जल जरूर भर के रखें। अगर घर में थोड़ा सा गंगा जल है या फिर हरिद्वार काशी कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ से गंगा जल लाए हैं तो वो गंगा जल मिला के एक लोटा जल, चाहे छोटा लोटा हो बड़ा लोटा हो, रखना चाहिए पूजा रूम में। खाली लोटा कभी नहीं रखना चाहिए। और हाँ, लक्ष्मी माँ को अगर खुश करना है तो शंख की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि लक्ष्मी माँ शंख की बहन है और शंख उनका भाई है। इसीलिए लक्ष्मी माँ को खुश करना है तो शंख की पूजा अपने पूजा रूम में ज़रूर करना चाहिए सभी को। तो बस यहाँ शंख का भी पूजा कर लिए। और घर का एक व्यक्ति अगर रामायण का एक अध्याय का पाठ करता है डेली रोज, तो उस घर के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ हमारे पास रामायण रखने के लिए जो वो रेहल रहता है ना, वो रेहल नहीं है, तो हम बस कोई पीतल का बर्तन में रख के और डेली पढ़ते हैं रामायण का एक अध्याय डेली करते हैं। तो बस यहाँ पे एक अध्याय रामायण करना चाहिए हर परिवार के। जानते हैं फ्रेंड्स, जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी अगर रामचरितमानस का एक अध्याय डेली करे तो उस घर के परिवार के लिए उसका जीवन में ज़रूर बदलाव आता है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तो हम पहले नहीं करते थे, पहले नहीं जानते थे तो नहीं करते। जब कोई बात नहीं जानते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं तो उसको ज़रूर करना चाहिए। हाँ, ये इसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन जब आदत हो जाता है ना डेली का, रोज़ का रूटीन में हमारा शामिल हो जाता है पूजा का रूटीन में, तो फिर कोई मतलब आलस नहीं लगता है, अच्छे से कर लेते हैं। आदत ही हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आदत अच्छी होगी तो फिर हो जाएगा अपने आप से। तो बस यहाँ रामचरितमानस का एक अध्याय ज़रूर करना चाहिए, घर के परिवार में किसी भी एक सदस्य को ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ हमारा अपना हाथ का बना हुआ घी ठाकुर जी को हम दिया जलाते हैं सुबह शाम, तो बहुत ये अच्छा लगता है। और यहाँ पहले डब्बा भर के रख लेते हैं और जो बचता है वो हम खाने वाले डब्बे में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का भी एंड करने का टाइम हो गया है। और अभी चैत बैसाख में बच्चों को ये शुद्ध घी ज़रूर खिलाइए, क्योंकि अभी जो कफ होता है ना वो अच्छे से साफ हो जाता है। फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय, सी यू।